हार्डलीस्ट वेलकम। एक बार मैं भाई का कैमरा पकड़ के देखता हूँ। वेलकम माई YouTube चैनल व्लॉग्स राहुल पे एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में। और आज का जो व्लॉग है दोस्तों बहुत ज़्यादा खास है, वो इसलिए है क्योंकि आप लोग में से बहुत सारे लोग चिंतामणि जयपुरी सर जी को जानते होंगे, क्योंकि उनका व्लॉग रहता ही बहुत ज़्यादा खास। और उन्हीं का वीडियो मैं देख के वीडियो बनाना सीखा हूँ और यूट्यूब पर आया हूँ कि किस तरह से व्लॉग बनाया जा सकता है, उनका वीडियो देख देख के सीखा हूँ। और जैसे भी वीडियो बनता है, आप लोग मेरे वीडियो को विजिट किए होंगे तो आपको पता होगा कि मेरा जो व्लॉग रहता है कुछ हटकर करने की कोशिश करता रहता हूं। और आप लोग वीडियो को पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं, सब्सक्राइब भी करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। लेकिन आज का जो बात है वो इस प्रकार है दोस्तों, क्योंकि चिंता की उनका व्लॉग देख के मैं यूट्यूब पे आया हूं, तो आज उनसे मिलने का मुझे मौका मिल रहा है, वो भी अपने शहर भिलाई पे। अगर आप लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो नहीं किया हुआ है तो जाके फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैंने 2 से 3 दिन पहले उनका एक स्टोरी डाला हुआ था कि चिंतामणि भिलाई आ रहे हैं, वो भी मीटअप करने वाले हैं। डियर राहुल व्लॉग जाके आप फॉलो कर सकते हो। और चलिए चलते हैं चिंतामणि मिलने के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी टाइम हो चुके हैं, 2:30 बज चुके हैं और वो 4 बजे तक आ जाएंगे। तो थोड़ा सा खाना वाना खाता हूँ, थोड़ा पैकिंग वैकिंग करता हूँ, तीसराल से आज व्लॉग करूँगा। फ्रेंड्स फाइनली यहाँ पे चिंतामणि जब जी आ चुके हैं और अभी मैंने हाथ मिला, बहुत अमेजिंग लगा है कि सर से एक पहली मुलाकात है ये मेरा, और बहुत बड़ा सपना था। तो जो भी था, जैसे भी, तो धूप की वजह से थोड़ा चेहरा डाउन हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं ऊपर और ऊपर बात करते हैं। तो चलते हैं ऊपर, और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज इतना सम्मान मिल रहा है आप लोगों की वजह से। और यहाँ पे रॉयल इनफील्ड के शोरूम के उद्घाटन में मेरे को उद्घाटन करने के लिए बुलाया है, तो थैंक यू वेरी मच। आप सबकी वजह से, आप सबके प्यार की वजह से, और एक जो बाइकिंग का पैशन हम लोग सभी जो शेयर करते हैं, मोटरसाइकिलिंग का पैसा जो शेयर करते हैं, उसकी वजह से इतना सम्मान मिल रहा है। तो ये फूल ये गुलदस्ता आप सबको समर्पित है, थैंक यू। फाइनली चिंतामणि जी से मेरी मुलाकात हो चुकी है, क्योंकि बहुत ही दिल से तमन्ना थी कि इनसे मैं मुलाकात करूं और इनसे मैं पर्सनली बात करूं। अरे ऐसा 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 मत बोलिए। और भाई लोग, एक बार मैं भाई का कैमरा पकड़ के देखता हूँ। अगर भाई लोग आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो ज़रूर पहले तो एक लाइक कर दीजिए, उसके बाद चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन का बेल दबा दीजिए, और उसके बाद भाई को कुछ बताना हो, कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए आप लोगों को वीडियोस को, ये और अच्छा कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए। जो भी आपके सिकवे सुझाव शिकायत हो बिंदास बताइए। तो भाई थैंक यू आने के लिए, इतनी गर्मी में वेदर मिलने के लिए, आने के लिए भिलाई में मीटअप रखने के लिए। अरे और बहुत दिल से तमन्ना थी कि भाई भिलाई में मीटअप का ना बहुत दिनों से चल रहा था, बहुत डिमांड आ रही थी कि भिलाई में मीटअप करो। लास्ट टाइम नागपुर गया था तो पिंका भाई को बताया मैं, कुछ भाई लोग धमकी दे रहे थे मेरे को कि भाई अनसब्सक्राइब कर देंगे, और बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब कर भी दिए, तो मेरे को अच्छा करना जरूरी था। नहीं सर, मैं यही बोलना चाहता हूँ कि मेरे चैनल पे अगर आप लोग वीडियो देखते हैं तो सर के माध्यम की वजह से, क्योंकि इनका मैं ब्लॉग बहुत पहले से देख रहा हूँ, तकरीबन 1 साल से देख रहा हूँ, और इन्हीं से मैंने सीखा हुआ है कि कैसे ब्लॉग करते हैं, कैसे मोटो ब्लॉगिंग करते हैं। आप मेरा चैनल जरूर विजिट कीजिएगा सर। जरूर भाई, जरूर जरूर जरूर। और भाई इतनी ज़्यादा तारीफ कर दी है, मैं इस लायक नहीं हूँ। मैं तो यहाँ का मैं शोरूम आपको दिखाता हूँ, और यहाँ ही पे इवेंट हुआ है और चिंतामणि जब भी प्रेस होने गए हैं, तो तब तक मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ का कैसा है शोरूम। तो ये है शोरूम, काफ़ी खूबसूरत शोरूम है। Thank you.
फ्रेंड्स, कल मैं वीडियो एंड नहीं कर पाया था और रात के तकरीबन 10:30 बज गए थे मुझे, और मैं अभी सुबह से बैठ के मैं एडिट कर रहा था कि मैंने बहुत सारे फ़ोटो लिए थे और बहुत सारे वीडियो बनाए थे, तो पता चला कि मैं एंड ही नहीं किया हुआ हूँ वीडियो को, तो अभी एंड करते हैं। और उससे पहले मैं बता देता हूँ कि भिलाई में जो मीटअप बहुत ही अमेजिंग था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम ऐसा मीटअप हुआ है और खाने वाने की भी व्यवस्था थी और हम लोग खाना वाना भी खाए हैं और चिंतामणि जी से बात भी की है, जैसे वो वीडियो पे दिखते हैं या लाइक में भी हैं, उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत खुशी भी हुई कि वो हमारी भिलाई पे आए और मीटअप रखे। तो थैंक यू सर जी, अगर आप हमारे वीडियो को देखते हैं तो इस तरह का मीटअप ऑल दोबारा यहाँ पे करिए और हम लोगों जितने भी नए यूट्यूबर हैं उनको थोड़ा सा सपोर्ट करिए, और आने वाले समय बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें।